वाड़ी नगर परिषद क्षेत्र के 25 वार्ड के गरीब लोगों को अनाज का वितरण किया गया। लॉकडाउन से गरीबों को खाना नसीब नहीं हो रहा है, लेकिन इन भूखे लोगों के लिए वाड़ी के युवक कांग्रेस कार्यकर्ता आगे आ रहे हैं। युवक कांग्रेस के अध्यक्ष अश्विन बैस लगातार लॉकडाउन के दिन से जरूरतमंद गरीब लोगों को खाना खिला रहे हैं। चावल, आटा, दाल, तेल का वितरण कर उनके घर का चूल्हा जलाने में युवक कांग्रेस ने वाड़ी में अहम भूमिका निभाई है। लॉकडाउन के कारण गरीब लोगों का रोजगार डूब गया, खाने के लाले पड़े हैं। ऐसे में खाना कौन खिलाएगा, यह सवाल लोगों के सामने खड़ा है। लेकिन इन सवालों को वाड़ी के अश्विन बैस ने सुना व तुरंत वाड़ी के विविध क्षेत्र में खाना व अन्न धान्य बांटने का अभियान चलाया। 5 किलो चावल, 5 किलो दाल, 5 किलो आटा, 1 किलो तेल, ऐसे किट बनाकर अब तक सैकड़ों लोगों के घर पहुँचाया। उनके घरों का चूल्हा जलने से गरीब लोग काफी खुश हुए हैं। अब बाहर नहीं जाएंगे, यह बात लोग कर रहे हैं। यह कार्य निरंतर चलते रहने की जानकारी अश्विन बैस ने दी है। इस आपदा पर मदद करना पुण्य का काम है। बैस की वाड़ी में सराहना हो रही है। इन आदर्श को साथ लेकर बाकी संस्था धनाढ्य लोगों ने भी सामाजिक काम करने की आवश्यकता है। लॉकडाउन 14 अप्रैल तक बताया गया है। इन दिनों सभी को घर में रहने के आदेश दिए हैं, लेकिन गरीबों को घर में खाना नहीं मिला तो वह घर के बाहर जाएंगे। इन्हें रोकने के लिए युवक कांग्रेस ने यह कदम उठाकर देश हित में काम करने का आह्वान अश्विन बैस ने किया है। इस मुहिम में युवक कांग्रेस के सभी कार्यकर्ता रात दिन अश्विन का साथ दे रहे हैं। हमारी तरफ से 24 तारीख से जब मोदी जी ने लॉकडाउन घोषित किया, उसके बाद से ही हमने 24 तारीख से वाड़ी के जो बाहर से आए हुए ट्रांसपोर्टर जो लोग है, जो यहाँ पे पलायन कर रहे लोग हैं, जो किराए से रहने वाले लोग हैं, जो गरीब लोग हैं, उन लोगों को हम राशन सामग्री हमारी तरफ से पूरी किट वितरित कर रहे हैं। किट बना के उसमें गेहूँ, चावल, दाल, तेल, नमक, मिर्ची, हल्दी, मतलब जो राशन की एक सामग्री रहती है वो पूरी किट बनाकर हमारे परिवार को दे रहे हैं। अभी तक हमने 900 से ज़्यादा परिवारों तक पहुँचा दिए और हमारा अभी भी ये कार्य शुरू है और आगे तक हम जो जो लोग हमारे पास में आएंगे, जो जो हमसे संपर्क कर रहे हैं, हम उन लोगों तक ये सामग्री पहुँचा रहे हैं। हमारा उद्देश्य युवक कांग्रेस के माध्यम से इतना ही है कि कोई भी व्यक्ति, कोई भी परिवार घर में भूखा ना सोए। INBCN न्यूज़ के लिए वाड़ी से सुनील शेट्टी के साथ अभिषेक पांसी की रिपोर्ट।